गाइस, जैसे आपको पता होगा कि एनिवर्सरी को हमने कुछ भी नहीं बनाया था, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली है। ये है पनीर, और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और यहाँ पे मैंने आलू को मैश करके रख लिया है। थोड़े से कचौड़ी हमने बना लिया था पहले ही, और यहाँ पे आलू मैश करके रख लिया है। इसमें और मसाले मिलाने बाकी हैं, इसकी बनानी है हमें कचौड़ियाँ। और यहाँ पे शाही पनीर के सारे जो मसाले वगैरह सब ये रेडी करके रखे हुए हैं। तो ये ग्रेटेड प्याज है, ये ग्रेटेड टमाटो है, और ये है कट किया हुआ पनीर, और ये है धनिया। तो धनिया भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जो कचौड़ियाँ बनाना है उसमें ऐड करूँगी मैं। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये सारी सब्जियों के इंग्रेडिएंट्स है, और इधर धनिया, और इधर मैंने जो आलू मैंने मैश किए हुए थे ना, उसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया। बाकी मसाले इसमें ऐड करना बाकी है। गाइस, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाने वाली थी, बट मैंने इस कढ़ाई को बंद कर दिया। मैंने सोचा सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो मैंने इधर को कढ़ाई रख दिया, गैस को ऑन कर दिया है, और कढ़ाई मैंने रख दी। कढ़ाई मेरी गर्म होते ही मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करने वाली हूँ, कढ़ाई में डालने वाली हूँ। और मैंने इस प्लेट में निकाल दिया आलू को, और इधर मेरा आटा भी रेडी है, और इधर मेरा ये फिलिंग भी रेडी है, और तेल भी रेडी है। बट सब्जी बनाने के बाद मैं बना लेती हूँ। अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई तेल को थोड़ा सा गर्म होते ही मैं जीरा डालूँगी। तो इसमें ऐड कर दिया है जीरा, और अब ऐड करते हैं इसमें, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ प्याज। तो जैसे मेरा प्याज थोड़ा सा ब्राउन होता है, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो इधर मेरा प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले और टमाटो प्यूरी। गाइस, मैं हींग डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ हींग। और हींग का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है। और ने मेरे नेल पेंट तो इधर मेरा जो अनियन है और ब्राउन हो गया है थोड़ा सा, अब मैं ऐड करती हूँ इसमें मसाले। उसमें 2.5 स्पून के करीब मैंने मसाले ऐड कर दिए। अब मैं 1 स्पून करीब, मैं इसमें 1/2 स्पून करीब मैं टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, 1/2 स्पून टर्मरिक मैंने ऐड कर दिया। मैं खुद ही सुन कर रही हूँ, खुद ही बना भी रही हूँ, इसलिए तो ठीक से नहीं मतलब मसाले नहीं डाल पा रही हूँ सब्जी में कोई। इसके बाद अब मैं सारे मसालों को चला लेती हूँ। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, मसाले हमारे अच्छे से पक जाए ताकि, और चले भी ना। तो गैस को मैं कर देती हूँ तेज, और कलर अच्छा आ रहा है ना मसाले में। तो ये मसाले हमारे थोड़े से पक जाएंगे, तब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। गाइस, अब मैं थोड़ा सा ये महाराजा सुपर फास्ट मसाला, मैं कश्मीरी पाउडर जो है ये मैं ऐड करूँगी सब्जी में थोड़ा सा कलर के लिए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं कलर के लिए, ताकि सब्ज़ी में कलर अच्छा आए, खूब अच्छा कलर आए। तो मुझे ज़्यादा नहीं ऐड करना है, तो इससे पनीर वगैरह में कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो तेल
भिंडी मसाले को छोड़ दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। तो ये टमाटो प्यूरी मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छे से चला लेती हूँ। यहाँ पे टमाटो को अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाने देते हैं, थोड़ा सा पक जाएगा तब मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट। तो अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो सॉल्ट तो मैंने डाल दिया, अब मैं ऐड कर रही हूँ पानी। गैस लगभग मसाले हमारे पक गए हैं और इसमें से बुलबुले उठने लगे हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पनीर और इसके बाद अपने फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये पनीर मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है, अब इसको ऐड कर देते हैं सब्जी में। ये पनीर मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद इसमें फैमिली के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दूंगी। बस पनीर मैंने मिक्स कर दिया, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। सो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसमें। तो अब मुझे लगता है अब बस थोड़ा सा और मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पकने के बाद इतना होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें हरी धनिया ऐड करूँगी जिससे गार्निशिंग के लिए, तो जिससे सब्ज़ी हमारी और भी अच्छी और भी डिलीशियस दिखेगी। इधर मेरी कचौड़ियाँ चल रही हैं और इधर सब्जी लगभग हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए धनिया। तो शाही पनीर हमारी लगभग रेडी हो चुकी है और बहुत ही थिक, बहुत ही डिलीशियस बना हुआ है। और गाइस यहाँ पे हमारे डिलीशियस कचौड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी। कचौड़ियाँ दोनों ही बोलते हैं हम, हमारे यहाँ यूपी में कचौड़ियाँ बोलते हैं बट दिल्ली में कचौड़ियाँ बोलते हैं। तो ये डिलीशियस कचौड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं, इधर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। यहाँ पे हमारी पूरियाँ भी बनके रेडी हो चुकी हैं, अब सर्व करते हैं डिनर। गाइस यहाँ पे हमारा सैलड भी रेडी हो चुका है जिसमें है प्याज, टमाटो और ग्रीन चिली। तो ये हमारा सैलड है, फिर चलिए फटाफट डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो लो जी हमारी थाली रेडी हो गई है और इसमें शाही पनीर है और सैलड है और नींबू और ग्रीन चिली का अचार है और पूरियां हैं और कचौरियां हैं। और इधर स्वीट डिश के लिए हमारा हलवा, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैंने पतला सा हलवा बनाया हुआ है। और ये मेरी
थाली जो है रेडी हो गई है डिनर के लिए। तो ये थाली मैं हस्बैंड के लिए रेडी की हूँ, तो चलिए फिर उनको दे देते हैं। गाइज़ ये थाली हमारी एनिवर्सरी के अगले दिन सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। एनिवर्सरी के दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, बस एक गुलाब जामुन बनाया था वो जो कि टूट गए थे। और तो सारी चीज़ें मैंने अगले दिन बनाई हुई थी, जैसे कि मेरा फास्ट था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।